नमस्कार दोस्तों, बुल्सकाई में आपका स्वागत है। बढ़ती उम्र के साथ जब शरीर में मेलानिन की कमी हो जाती है तो बाल सफेद होने आम बात होते हैं, लेकिन असमय और कम उम्र में जब बाल सफेद होने लगते हैं तो वो चिंताजनक बात होती है। आज के बढ़ते पॉल्यूशन, तनाव और वर्कलोड के कारण लोगों के बाल कम उम्र से ही सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसे छुपाने के लिए कई लोग तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट जैसे कि हेयर कलर और डाई का इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि इन प्रोडक्ट्स में रासायनिक पदार्थों का मिलावट और इस्तेमाल होता है जो बालों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सफेद बालों से निजात पाने के लिए सबसे बेहतर है कि घरेलू उपाय अपनाए जाएं। इसमें ना तो कोई केमिकल होता है और ना ही कोई साइड इफेक्ट। बालों को ज्यादा समय तक काला बनाए रखने के लिए आप कॉफी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉफी के इस्तेमाल से बालों के फॉलिकल्स को पोषण मिलता है जिससे बाल मजबूत बनते हैं और जल्दी सफेद नहीं होते। ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल आप बालों को काला करने के लिए कर सकते हैं। ये बगैर किसी साइड इफेक्ट के सफेद बालों से निजात दिलाता है। कॉफी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं। इसकी मदद से बाल ज्यादा समय तक काले बने रहते हैं। इसके अलावा कॉफी के प्रयोग से नए बालों को उगने में मदद मिलती है। ये बालों के विकास को फिर से बढ़ावा देते हैं और गंजेपन को कम करने में मदद करता है। अब आपको बताते हैं आपको बालों पर कॉफी का कैसे इस्तेमाल करना है। कॉफी एक प्राकृतिक हेयर कलरेंट भी है जिसे बालों पर लगाने से बालों का रंग रेडिश ब्राउन या फिर ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है। अगर कॉफी को हिना यानी कि मेहंदी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बालों का रंग निखर जाएगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरी तरह से केमिकल फ्री मेहंदी का ही इस्तेमाल करें। कॉफी और मेहंदी युक्त इस मिश्रण को बनाने के लिए एक कप पानी में एक चम्मच कॉफी डाल लें। अब इस घोल में 5 चम्मच हिना पाउडर मिलाएं और स्टर करते रहें ताकि उसमें गांठ न पड़ जाए। अब इस मिक्सचर को अपने स्कैल्प यानी कि अपनी जड़ों और बालों में लगाएं। उसे 3 से 4 घंटे तक बालों पर लगाकर ही रखें। उसके बाद गर्म पानी और माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से अपने बालों को धोएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।